हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आ गई हूँ। आज का जो रेसिपी है, क्रिस्पी चीज़ी पनीर टिक्का ब्रेड वेल। हाँ जी, ब्रेड वेल। वेल क्यों, आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। ये बहुत क्रिस्पी, रियली बहुत क्रिस्पी बना है और बहुत टेस्टी भी बना है। इसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए, मैं 1 कप भर के पनीर लिया है। पनीर को एकदम छोटे 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 टुकड़े में काटा है। देखिए, दिखने से आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा, एकदम छोटे छोटे, क्योंकि बच्चों को पनीर बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी आता है, मगर बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे मैं 1/2 कप उतना कैरेट ले रही हूँ और 1 कप उतना पालक। पालक को मैंने बारीक सा काटा है। पालक बच्चे नहीं खाते हैं, इस तरह से बना के दिए तो वो लोग, उनको पालक है बोल के मालूम भी नहीं होता, वो लोग खा लेते हैं। तो हेल्दी हेल्दी भी है और स्नैक्स स्नैक्स भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे 1 कप उतना प्याज भी डाल रही हूँ। प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़े में मैं काट लिया है, एकदम बारीक सा काटा है। और 1/5 चम्मच उतना काला नमक डाला है, ब्लैक सॉल्ट। 1/4 चम्मच उतना नॉर्मल नमक भी डाल रही हूँ। अगर चाहिए तो आप लोग ब्लैक सॉल्ट अवॉइड भी कर सकते हैं, पूरा यही नमक डाल सकते हैं। और 1/5 चम्मच उतना अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच उतना धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं सादा मिर्ची नहीं डाला है, इसलिए 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल दिया है, सूखा 1/5 चम्मच उतना गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैं नींबू लिया है, 1/2 नींबू लिया है। अगर आप लोग यहाँ पे इस प्लेस में आमचूर पाउडर डाल सकते हैं या विनेगर डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे फ्रेश नींबू लिया है, 1/2 ही नींबू लिया है। उसका भी जूस इसमें डाल देती हूँ। 1 चम्मच उतना तेल डाला है। अगर यहाँ पे आप लोग चाहिए तो बटर डाल सकते हैं, घी मत डालिए, घी का अलग टेस्ट हो जाएगा। बटर या तेल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि प्याज, पनीर, मसाले, कैरेट सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहिए तो पालक की जगह पे कैप्सिकम ले सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्ची भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच उतना दही ले रही हूँ। इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ऑलरेडी हम 1/2 नींबू डाल चुके हैं, इसलिए मैं दही थोड़ा कम कर दिया है। अगर आप लोगों को दही पसंद नहीं आए तो यहाँ पे क्रीम भी डाल सकते हैं। इसे देखिए, मैं अच्छा सा मिक्स कर चुकी हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। ढक्कन लगा दे के इसको साइड में लगा देते हैं। इसको लगा के 10 मिनट हो गया है। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच उतना बेसन मिला रही हूँ। बेसन को मैं ऑलरेडी भून के रख लिया है, 1 चम्मच उतना डाला है बेसन। बेसन डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अभी इसको हम ढक्कन लगा के साइड में लगा देते हैं। अभी इसको और 20 मिनट तक साइड में लगा चुकी हूँ मैं। एक बार चेक करते हैं, 20 मिनट हो चुका है। देखिए, एकदम रेडी है। और एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करके पैन में इसको पका लेते हैं। ऑलरेडी मैं पैन लगा चुकी हूँ। 1 चम्मच इतना तेल डाला है। अगर तेल अगर आपको नहीं चाहिए तो बटर भी डाल सकते हैं इस प्लेस में। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, तेल को ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, लाइट गर्म हो तो बस है। जो हम पहले से मिक्स करके लगा लिए हैं पनीर का मिश्रण, इसमें डाल देते हैं। डाल के इसको 5 से 10 मिनट तक पका लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे छोटे टुकड़े में कट चुके हैं, जल्दी भी पक जाएगा, इसलिए 10 मिनट बस है। और लो फ्लेम में लगाइए, हाई और मीडियम फ्लेम में मत लगाइए, लो फ्लेम में लगा के इसको 10 मिनट तक पका लेते हैं ताकि ये अच्छा पक सके।
देखिए पकना शुरू हो गया है। पनीर को पकने के लिए साइड में लगा दिया है। मैं यहाँ पे ब्रेड स्लाइस लिया है। देखिए एक कटोरा, जो शार्प कटोरा रहता है उससे काटिए। देखिए बीच में ऐसा लगा के राउंड घुमा दीजिए, ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। देखिए कट हो गया है एकदम राउंड शेप में, एकदम राउंड बन चुका है। अभी और एक ब्रेड पीस को भी इसी तरह से काट लेते हैं। उसके बाद में उससे छोटा सा जो कप है, मैं उससे और एक बार उसका बीच में करके राउंड घुमाए तो और एक आ जाएगा राउंड शेप। एक बार करी को भी चेक कर लेते हैं, जो पनीर का देखिए एकदम बढ़िया बन चुका है। मैं 10 मिनट तक लगाऊंगा सोचा, मगर ये 6 से 7 मिनट के अंदर ही अच्छा सा पक चुका है। अभी इसी टाइम मैं गैस भी ऑफ़ कर देती हूँ। एक बार अच्छा सा मिक्स कर दे के गैस को ऑफ़ कर देना है। ये तो परफेक्ट बन चुका है। अभी मैं बताती हूँ ब्रेड का। ब्रेड पहले मैंने शार्प कटोरे से एक राउंड शेप दिया है, और एक छोटा कप, उससे भी छोटा कप लेके मैं और एक उसको राउंड शेप दिया है। अभी जो बड़ा है उसके ऊपर लगा देती हूँ, छोटा राउंड शेप के ऊपर बड़ा लगा देती हूँ। ये बन गया है वेल, यानी कुआ। अभी मैं यहाँ पे एक साथ बना चुकी हूँ। अभी इसमें फिलिंग करती हूँ। फिलिंग करने से पहले जो हम ओवन में लगाने का जो प्लेट रहता है उसको पहले हम बटर से अच्छा ग्रीस कर लेते हैं। लाइटली कर लेना है। देखिए अगर बटर नहीं पसंद है तो तेल भी लगा सकते हैं। अभी इसको मैं 180 डिग्री प्री हीट के लिए 5 मिनट तक लगा देती हूँ ओवन में। उसके बाद में यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है। अगर आप लग जाइए तो टमाटो सॉस भी ले सकते हैं, नहीं तो ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लिया है। अभी मैं जो राउंड है, जो छोटा राउंड वाला है वो लगाती हूँ, उसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस लिया है वो अप्लाई कर देती हूँ। देखिए इस तरह से पूरा अच्छा सा स्प्रेड कीजिए। अच्छा सा मैं स्प्रेड कर चुकी हूँ, देखिए कहीं भी प्लेस नहीं छोड़ा है, अच्छा स्प्रेड कर चुकी हूँ। और जो राउंड वाला और एक है इसके ऊपर लगा देते हैं, लगा के लाइटली प्रेस करते हैं ताकि सॉस को अच्छा चिपके। देखिए मैं अच्छा सा प्रेस कर चुकी हूँ। अभी जो फिलिंग है हम पहले से बना के लगाए हैं, वो फिलिंग को मैं डाल देती हूँ। आप लोग अपना मर्ज़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे फुल फिल कर रही हूँ। फुल फिलिंग करने से बच्चों को बहुत पसंद आता है और टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी है, इसलिए मैं फुल फिल कर रही हूँ। अच्छा सा फिल कर देना है। इसमें कुछ भी नहीं है, हेल्दी फूडीज है, पनीर, पालक। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस लिया है, उसको मैं 4 पीसेस में काटा है। छोटा पीसेस इसके ऊपर लगा देती हूँ। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहिए तो चीज़ भी क्रश करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा वो भी। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैं मिक्स्ड सीजनिंग लिया है, इसका अच्छा सा स्प्रिंकल करती हूँ। स्प्रिंकल करने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए मैं आप लोगों को कैमरा के पास ला के बताती हूँ। देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये तो। अगर और थोड़ा सा बाकी है वो भी मैं बताती हूँ वो क्या है। मैं यहाँ पे बटर को मेल्ट कर चुकी हूँ लाइट। अभी बटर अप्लाई कर देते हैं ताकि ये वेल जो है क्रंची बन सके, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत अच्छा रहेगा। चारों ओर बटर को अच्छा सा अप्लाई कर देते हैं। देखिए मैं पूरा अच्छा बटर अच्छा सा अप्लाई कर चुकी हूँ। अभी मैं इसे ओवन में लगा देती हूँ।
ऑलरेडी ओवन को प्री हीट कर चुकी हूँ मैं 180 डिग्रीज में। अभी इसको लगा देती हूँ सेम 180 डिग्रीज में। इसको 5 से 8 मिनट तक लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लगाइए, जल जाएगा। 8 मिनट तक लगाए तो परफेक्ट बन जाएगा। देखिए 8 मिनट तक लगाया है, एकदम परफेक्ट बन चुका है क्रिस्पी चीज़ी पनीर टिक्का, ये भी कह सकते हैं, नहीं तो क्रिस्पी चीज़ी पनीर टिक्का ब्रेडवेल। ब्रेडवेल बोले तो अभी आप लोगों को मालूम हो गया है ना, कुआ, इसलिए मैं कुआ बोला था। कितना अच्छा दिख रहा, देखिए सेम विल के जैसा ही है। बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आता है ये स्नैक्स। ये नाश्ता बना के दीजिए शाम के वक्त गरम गरम के चाय के साथ, या बच्चों को दूध के साथ यूं ही खा लेते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना भूलिए मत जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी, ताकि आप लोगों तक पहुँच सके। अगर आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका पसंद आया तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिए, ट्राई करके अपने बच्चों को दीजिए। तब तक के लिए अलविदा।